बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी में भी जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। इस वक्त हम पटना के नासरीगंज घाट पर मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गंगा नदी में जो है वो पानी जो है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है, और क्योंकि पीपा पुल भी जो है उसे खोल दिया गया है बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए, इसकी वजह से जो दियारा के इलाके हैं यानी गंगा पार के जो गांव हैं वहां के लोगों के पास अब कोई साधन नहीं बचा है, केवल नाव का सहारा है। और यही स्थिति अगले 2 से 3 महीने तक जो है वो रहेगी। जब देख सकते हैं लोग किस तरीके से अपने बाइक्स को जो है नाव पर इस तरीके से रखते हैं और उसके बाद फिर गंगा पार जो है जिनका गांव है वहां जाएंगे, और नाव के अलावा कोई इनके पास साधन नहीं है आने जाने के लिए। कब से आप लोग इस तरीके से नाव पे ही बाइक को लेके आना जाना कर रहे हैं? 3 महीना हो गया, 2.5 से 3 महीना हो गया। 3 महीना हो चुका है। जी सर, आने वाला 2-3 महीना यही दशा रहेगी, 2-3 महीने यही हालत रहेगा। कितना मुश्किल होता है गाड़ी को नाव पे ले जाना फिर ले आना इसी पे? इसमें हम लोग क्या बताएंगे, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी परेशानी और कितनी दुख होता है, तकलीफ होती है। इसके पैसे भी लगते होंगे नाव पे ले जाने ले आने के? 50 रुपए प्रति एक साइड का लगता है, एक साइड का। तो देख सकते हैं 50 रुपए इनको चुकाना पड़ता है नाव पर जो है बाइक इस तरीके से ले जाने के लिए एक तरफ से। और गंगा में क्योंकि इस वक्त जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ऐसे में अगले 2 से 3 महीने जो है वो लोगों के लिए इसी तरीके से मुश्किल भरे रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।